बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फेयरवेल मैच की तारीख सामने आ गई है। कैप्टन कूल 14 मई को आखिरी बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में दिख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 12 मई को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी मैच हो सकता है। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो 14 मई को महेंद्र सिंह धोनी अपना आखिरी मैच खेलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन होगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला खुद कैप्टन कूल लेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक आधिकारिक तौर पर मैनेजमेंट के साथ इस पर कोई बात नहीं की है। दरअसल आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। महेंद्र सिंह धोनी तब से इस टीम के साथ जुड़े हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 4 बार खिताब पर कब्जा किया है। बहरहाल महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन होंगे? चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान की रेस में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के अलावा अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि चेन्नई सुपर किंग्स रविंद्र जडेजा को टीम की कमान सौंपेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान के तौर पर बेन स्टोक्स को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।